नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर पर रुक कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है। यहां पर बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ सामने आ रही है, जहां पर उसूर ब्लॉक के बासागुड़ा क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रही है। बता दें कि सर्चिंग पर सुरक्षा बल के जवान निकले थे, जहां पर नक्सलियों की फायरिंग का पुलिस जवान जवाब दे रहे थे। बता दें कि बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ जारी है, जहां पर असूल ब्लॉक के बासागुड़ा क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रही है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे, जहां पर पुलिस के जवान नक्सलियों की फायरिंग का जवाब दे रहे थे, जिसकी पुष्टि बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने की। इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्जुन पांडे जुड़ रहे हैं। अर्जुन, बीजापुर का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ अभी जारी है। बता दें कि सूर ब्लॉक के मासागुड़ा क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रही है। अर्जुन, सबसे पहले इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। बता दूं सानिया, जिस प्रकार से ये अप्रैल का माह जो है और ये जो मई का माह जो चलता है, इन समय में हमेशा से देखा गया है कि नक्सली अपनी उपस्थिति जनाने के लिए जो है कुछ न कुछ ऐसी घटना करते हैं। कल अगर रात की बात करें तो कल रात में भी एक कैंप के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया था। दक्षिण बस्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, उस इन समयों में वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। ओरछा मार्ग की बात करें, वहां भी जो है नक्सलियों ने रोड काटा हुआ है। आज ये जो मुठभेड़ हो रही थी, एक बड़ी बात है कि हमेशा इन समयों में मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा, लेकिन अंतिम जानकारी जो निकल करके आई है, उस जानकारी में ये स्पष्ट हुआ है कि एक जवान है वो मात्र जो है जख्मी हुआ है, बाकी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। लेकिन इन समयों में बता दूं कि दक्षिण बस्तर के तीनों जिले, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा सब आते हैं, यहाँ नक्सली कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जनाने के लिए इस प्रकार के प्रकरण कर रहे हैं। जी जी अर्जुन, यदि बात करें तो अब तक कितने जवानों की टुकड़ियां यहां पर मोर्चा संभाल रही हैं, कौन कौन से जवान अभी मोर्चा संभाल रहे हैं? जी जी बता दें, इसमें एसटीएफ, सीआरपीएफ और डीएफ के जवान वहां पे जो है गए हुए हैं और उनके साथ में मुठभेड़ है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले साल देखने को मिला था कि एक जवानों को बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ था और जिसमें हमारे काफी जवान शहीद भी हुए थे, ये मुठभेड़ में जवान ही हमारे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जंगलों की जो सहारा जो है लेते हैं और बार बार उन्हीं जंगलों से जो इन नक्सलियों का आना जाता रहता है, गोरिल्ला नीति में ये निपुण है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवानों को हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। जी जी अर्जुन, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि अभी सर्चिंग यहाँ पर जारी है, तो क्या सर्चिंग स्थल से अभी ग्रेनेड इत्यादि हथियार कुछ बरामद किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से? जी 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 बता दो सानिया, अभी आधे घंटे पहले हमको लास्ट अपडेट मिले थे, जिसमें ये पता चला था कि अब मुठभेड़ जो गोलीबारी जो चल रही थी वो थोड़ी धीरी है, तो उन गोलीबारी के चलते समय में वाकई में सर्चिंग तो नहीं हो पाती है, क्योंकि एक सुरक्षा अहम जो है मुद्दा बन जाता है वहाँ पे। ये लोग लैंड माइन का भी बहुत सहारा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सुरक्षित तरीके से जो है अभी तक जो कार्य किए गए उनमें अभी सर्चिंग में कुछ भी अभी ऐसा नहीं देखने को मिला है। जी जी अर्जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।